मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आंख बंद करके कसम खाइए, आप पूरे मन के साथ पढ़ेंगे और भारतवर्ष के विकास में हमेशा अपना सहयोग करेंगे। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन पर रुके थे पिछली बार, पिछले वीडियो में, और मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर x की दो वैल्यू जो आप सोच रहे हो आ गई, एक्चुअली वो नहीं है। इसका आंसर है नो वैल्यू ऑफ x। देखो इसकी वजह को समझें, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी बहुत लंबी कहानी है दोस्तों। क्या कहानी है देखो बताता हूँ मैं आपको। देखो जैसे ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैथ्स में बहुत जगह पर आएगा। ये कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आया था, जहाँ पर इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। पूरा मेरा प्लेलिस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ा हुआ है 11 क्लास का, उसको डिटेल से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको तैयार करिए। कॉम्प्लेक्स नंबर जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा होगा उन्होंने ये कॉन्सेप्ट वहां भी पढ़ा होगा। देखो समझो क्या है, आप ये समझो, आप कह रहे हो x की दो वैल्यू आ गई। जैसे कि मान लो अगर हम x इक्वल टू 1 ले लें तो क्या होगा, x इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या होगा बोलो। यहां पर 1 आ जाएगा और यहां पर भी 1 आ जाएगा, x की जगह 1 आ जाएगा। तो क्या दोनों मैट्रिक्स बराबर हुए बोलो, क्या दोनों मैट्रिक्स बराबर हुए? नहीं बराबर हुए। देखो 2 इक्वल टू 1 कैसे हो सकता है, 1 इक्वल टू 1 तो हो गया लेकिन 2 इक्वल टू 1 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब x की वैल्यू 1 गलत है, नहीं हो सकती। ठीक, अच्छा फिर मैं क्या करता हूं, मान लो x की वैल्यू 2 ले लेता हूं। अब x की वैल्यू 2 रखो दोनों में, तो यहां भी 2 रखा जाएगा और यहां भी 2 रखा जाएगा। अब क्या दोनों मैट्रिक्स बराबर हुए? अभी बराबर नहीं हुए। देखो 2 इक्वल टू 2 तो हो गया लेकिन 2 इक्वल टू 1 तो फिर नहीं हुआ। इसका मतलब x इक्वल टू 2 भी गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो आपने वैल्यूज निकाली हैं, दोनों में से कोई वैल्यू सही नहीं है। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, क्या हर बार हमें ये वैल्यू रख करके चेक करना होगा? नहीं, रख के नहीं चेक करना होगा। मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूँ जो कि ज़्यादा अच्छा तरीका है और ज़्यादा सही तरीका है। देखो क्या होता है बच्चों, जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं, मिटा दूं फिर समझाता हूं देखो अच्छे से। देखो जैसे कि मान लो ये दो मैट्रिक्स हैं, मान लो A1, A2, A3 और A4, और मान लो दूसरा मैट्रिक्स है, थोड़ा रंगीन बनाते हैं, कलरफुल बनाते हैं, B1, B2, B3, B4। दो मैट्रिक्स बराबर हैं, मान लो अगर ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा? पहला पहले के इक्वल, A1 इक्वल टू B1, ध्यान रखना, एंड सेकंड सेकंड के इक्वल, A2 इक्वल टू B2 एंड A3 इक्वल टू B3 एंड A4 इक्वल टू B4। देखो आप सोच रहे हो इसमें क्या खास बात है, हम जानते हैं, अभी सर आपने पहले यही तो बताया था। सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो कि सर इसमें कौन सी खास बात आ गई, यही तो पहले आपने बताया था। अरे ऐसा नहीं है भाई, ये नहीं बताया था। देखो ध्यान दो कैसे, यहां पर ये जो एंड आ गया ना, एंड इसका अपना बड़ा खेल है, इसका अपना बहुत बड़ा खेल है। ये एंड जो है ना बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है। एंड और मैथ्स में ये दोनों चीजें बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, इनको छोटा मोटा बॉलर मत समझना, सीधी यॉर्कर मारते हैं और सीधी स्टंप को लेके उड़ाते गई है। एंड और बहुत संभल के खेलना पड़ता है। ठीक है, एंड और जब आ जाए, देखो एंड का मतलब ये हुआ कि ये जितने भी इक्वेशन हैं इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। एंड का मतलब हुआ ये जितनी भी चीजें यहां पर आएंगी उन सब का हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। हाँ सही सुना आपने, क्या बोला? इंटरसेक्शन लेना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन लेना होगा? सर आपने बोल तो दिया लेकिन मतलब क्या हुआ, बताता हूं ना, बताता हूं, पेशेंस रखो जरा, बताता हूं, लिखो जल्दी, लिखा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो ये हुआ, मैं तुमको बिल्कुल
बेसिक लेवल पर ये बात समझाता हूँ, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, बेसिक लेवल पर बेसिक सीखना लाइफ में बेटा बहुत ही जरूरी है, है ना? बेसिक सीखना लाइफ में बहुत ही जरूरी है। देखो समझो जरा, जैसे क्या होता है, मान लो मैंने क्वेश्चन लिया x प्लस वाई बराबर 2 एंड x माइनस वाई बराबर 4। दो ही क्वेश्चन है, दोनों के बीच में एंड लगा है, एंड। देखो क्या होगा, इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आप जानते हो दोनों को प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 6, प्लस कर दिया वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 3 हो गई, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y कितना होगा बोलो, -1 होगा, तो x और y की वैल्यू आ गई, क्या आंसर आया, आंसर आया x बराबर 3 एंड y बराबर -1, एंड आया, एंड यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारा आंसर आया, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारा आंसर आया। मतलब अब देखो ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल का इंटरसेक्शन नहीं निकलता, उन्हें एक साथ लिख दिया जाता बस। मतलब हमारा आंसर आया एक ऐसा पॉइंट जिसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -1 है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आया। ये क्या है, ये एक्चुअली इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहा होगा, ये जो निकला है आपके पास ये इन दोनों लाइंस का एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दो लाइंस यहां पर काट रही होंगी, ये वही पॉइंट है। तो देखो दो अलग अलग वेरिएबल का इंटरसेक्शन नहीं निकलता, उन्हें ऐसे एक साथ बस लिख दिया जाता, कहते हैं एक्स ये है वाई ये है। लेकिन अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन ये दे दूं कि मैंने कहा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड एक्स इक्वल टू 3, अब देखो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर इक्वल टू 9 तो x क्या आएगा बोलो, क्या आएगा, x आएगा प्लस माइनस 3। यहीं पर बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं, केवल प्लस 3 लिख देते हैं ना, प्लस माइनस 3, और यहां से x क्या आएगा, 3 आया, क्या आया है। अब इन दोनों के बीच में एंड है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि इन दोनों में कॉमन वैल्यू लो, तो इसमें प्लस माइनस 3 है, इसमें खाली 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, दोनों में कॉमन हुआ x बराबर 3, हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया, ठीक है? तो ध्यान रखना जहां पर एंड होता है वहां दो चीजों का इंटरसेक्शन लेना होता है, और अगर वेरिएबल अलग अलग हैं तो उनको एक साथ लिखना होता है बस, लेकिन अगर वेरिएबल सेम है तो दोनों में कॉमन वैल्यू लेनी होती है। मान लो हमें ये क्वेश्चन करना है, मान लो हमें इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा बच्चों वक्त का तकाजा है कि इसको मिटाना पड़ेगा, देखो ध्यान दो, मान लो हमें ये क्वेश्चन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, ये हमें बीच में एंड लगा दिया गया। अब देखो यहां से x कॉमन लेंगे तो क्या हुआ, x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 और माइनस 2 आ गई, ठीक है? यहां से x की वैल्यू क्या आ गई बोलो, प्लस माइनस 3 आ गई। अब देखो इन दोनों के बीच में एंड है तो क्या होगा, ये दो वैल्यूज हैं, क्या क्या है, 0 माइनस 2, मतलब इसको ऐसे माने कि इसके पास दो चीजें हैं 0 माइनस 2, इसके पास दो चीजें हैं क्या, प्लस 3 और माइनस 3, तो क्या इनमें और इनमें कुछ कॉमन है, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं है ना, 0 है माइनस 2 है, 3 माइनस 3, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, 5, क्या आंसर आ गया बोलो, x belongs to 5, 5 का मतलब no value of x, 5 का मतलब क्या होता है, no value of x। तो जब भी दो equations के बीच में एंड हो तो थोड़ा सा हमेशा केयरफुल हो जाना, क्योंकि मैंने बताया ये एंड और दोनों बहुत बड़े बड़े बॉलर हैं, यॉर्कर मारते हैं सीधे, सावधान रहना होता है। लिख लो जल्दी से, फटाफट लिखो, फास्ट मिटाता हूं इसको, अगला सवाल फिर देता हूं तुम्हारे सामने, ठीक है? लिखो जल्दी से फास्ट, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा,
मान लो हमने क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन ये लिया x 3 4 1 ठीक है 2 3 x 1 ये क्वेश्चन लिया और मैंने कहा x बताइए क्या होगा। मैंने क्या कहा कि x बताइए क्या है, दो मैट्रिक्स बराबर दिए गए हैं, दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनके एलिमेंट्स को बराबर करो, x बराबर 2 एंड 3 बराबर 3 एंड x बराबर 4 एंड 1 बराबर 1। तो क्या हुआ देखो, इन सब का एंड लेना, इंटरसेक्शन, इससे कुछ नहीं मिला, इससे कुछ नहीं मिला, ये 2 है ये 4 है, तो ये 2 ये 4 इनका इंटरसेक्शन क्या होगा 5, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया नो वैल्यू ऑफ x, कुछ भी आंसर नहीं मिला, क्योंकि 2 और 4 एक जगह x बराबर 2 आया, एक जगह x बराबर 4 आया, तो आंसर क्या हो गया 5, 5 का मतलब सुपड़ा साफ, नो आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के सवालों को हमें इस मेथड से करना चाहिए, जब भी हम दो चीजों को बराबर लगे बीच में एंड निकालते जाएं, एंड निकालते जाएंगे तो कोई चक्कर नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। लिखो जल्दी से अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। मेरे नैना, देखो कौन सा पेन, नीला, देखो काला, ओए काला, चलो फाइंड x y z इफ इफ x प्लस y 3 z माइनस 1 2 y बराबर टू थ्री वन वन, ऐसे दिया गया, एक्स वाई जेड चाहिए, ठीक है, तीन वेरिएबल है तीनों चाहिए, तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, तो क्या होगा बराबर करो, एक्स प्लस वाई बराबर टू थ्री बराबर थ्री एंड एंड नहीं भूलना, समझ गए कि नहीं एंड नहीं भूलना, ठीक है, एंड नहीं भूलना। देखो एंड लगाया तो 3 बराबर 3 कछु नहीं मिला, z इक्वल टू क्या मिला 2 मिला, y इक्वल टू क्या मिला 1/2 मिला, बीच में एंड है, अलग अलग वेरिएबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से y की वैल्यू 1/2 रख दो तो x प्लस 1/2 = 2, तो x क्या मिला 2 - 1/2, तो x क्या मिला 3/2, देखो बीच में एंड है लेकिन अलग अलग वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल तो ऐसा कहेंगे x मिला 3/2 y मिला 1/2 और z मिला 2, तो बीच में एंड है, तो ये तीनों ही आंसर हमारे सही है, अलग अलग वेरिएबल है ना, अलग अलग वेरिएबल, तो उनका इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते, उनको एक साथ बस लिख देते हैं। जब भी आप इस टाइप की क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना छोटी क्लासेस में 7th 8th वगैरह में, तो बीच में लिखा नहीं होता था, वो एंड होता था, आप कहते थे ना साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, लंबी लंबी बातें किया करते थे, स्टाइल से अंग्रेजी बोला करते थे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो वो एंड होता था उनके बीच में, तभी आप x और y की सिंगल सिंगल वैल्यू निकाल के पेश कर दिया करते थे, ठीक है। हाँ एक बात और ध्यान रखना, एंड की जगह और भी हो सकता था, अब और हो गया तो क्या करेंगे, कर लें चर्चा क्या, छोड़ो यार अभी फिर बहुत लंबा फंस जाएंगे इसी में फिर, है ना, चर्चा करते हैं देखते हैं, अच्छा और होगा तो क्या होगा इक्वेशंस के बीच में, ठीक है चलो अच्छा कर लेते हैं उसकी चर्चा, कर लें कि नहीं कर लें, कर लें चलो चर्चा, देखो जल्दी लिखो फटाफट। तो इस प्रकार से ये सवाल हम लोग कर लेंगे और अब ये हमारे लिए बन गए हैं सवलिया, अब तक सवाल थे अब ये बन गए हैं सवलिया, आसानी से हम लोग इनको निकाल लेंगे। देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे क्या होता है, मान लो हमने एक क्वेश्चन लिया
और क्वेश्चन ये लिया x प्लस वाई बराबर टू और x माइनस वाई बराबर फोर। अब देखो बीच में और कर दिया, अब बीच में अगर हमने और कर दिया तो क्या होगा बच्चों, ऐड किया तो क्या हुआ 2x बराबर 6, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया तो x का वैल्यू 3 आ गया, दोनों को प्लस कर दिया x का वैल्यू 3 आ गया, x का वैल्यू 3 यहां रखा तो y का वैल्यू आ जाएगा क्या बोलो -1, x बराबर 3 पुट करोगे तो y कितना मिलेगा -1। देखो अब यहां पर और है तो देखो क्या हुआ, ये दो एक्चुअली क्या है स्ट्रेट लाइंस है, ये स्ट्रेट लाइंस है, जब बीच में एंड था तो हमारा आंसर ये आया था, अभी भी जो निकाला है 3 और -1 वो यही पॉइंट है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब एंड था तो अकेला आंसर यही था क्या 3 और -1, जब इनके बीच में एंड था तो आंसर ये होगा, केवल एक आंसर, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, कब जब बीच में एंड था तब ओनली वन सॉल्यूशन, अगर इनके बीच में मैं एंड कर दूं तो इकलौता आंसर यही होगा, इकलौता ओनली सॉल्यूशन, लेकिन जब मैंने यहां और कर दिया, अब सुनो ध्यान से, अब और करने से क्या हुआ बच्चों, एंड का मतलब था एक ऐसा पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाई करे, देखो कर रहा है ना, x को रखो 3 y माइनस 1 2 आ जाएगा ना, देखो x को रखो 3 y माइनस 1 4 आ जाएगा ना, ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाई करे, एंड का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाई करे और ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारा आंसर है। और का मतलब क्या, और का मतलब ऐसा आंसर जो दोनों में से किसी भी एक को सेटिस्फाई कर दे, किसी भी एक को, देखो अब जैसे इस लाइन पर लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं और इस लाइन पर भी लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं तो ये सारे हमारे आंसर हो जाएंगे, देखो ये आंसर तो यहां आएगा ही आएगा, x बराबर 3 और y बराबर -1, ये आंसर तो यहां रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये भी दोनों पर है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना और का मतलब ऐसा नहीं कि केवल एक को सेटिस्फाई करे, और का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एक को सेटिस्फाई करे, और का मतलब केवल एक या दोनों, और का मतलब केवल एक को सेटिस्फाई करे या दोनों को भी सेटिस्फाई कर सकता है, और में दोनों वाला केस आता है, और ये बात मैंने सेट थ्योरी में बहुत डिटेल से समझाई है, यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, देखो सब चीजें इंटरकनेक्टेड है, कोई बात नहीं फिर भी आपने समझ लिया परेशान मत हो, सेट नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं पढ़ लेना, मेरी प्लेलिस्ट पढ़ी हुई सेट की, HD मैथमेटिक्स में सेट डिटेल से मैंने पढ़ाया है, कोई बात नहीं पढ़ा परेशान मत हो, यहां ध्यान दो, ठीक, तो और का मतलब दोनों को सेटिस्फाई करिए या किसी एक को सेटिस्फाई करे, तो ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, अपना आंसर होगा। अब देखो जैसे अगर हम x को 1 y को 1 ले लें तो ये भी अपना आंसर होगा क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर हम x को 4 और y को -2 ले लें तो ये भी इसका आंसर होगा, देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो लाखों करोड़ों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपने मन से कुछ भी लेते जाओ, x को 0 ले लो, y को 2 ले लो, x को 2 ले लो, y को 0 ले लो, बहुत से और बहुत से आंसर मिलेंगे, इसी प्रकार इसके भी बहुत से आंसर मिलेंगे, देखो जैसे अगर मैं x को 5 और y को 1 ले लूं तो देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर मैं x को 6 और y को 2 ले लूं तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सब के सब इस क्वेश्चन के आंसर हैं क्योंकि यहां पर और लगा हुआ है, और का मतलब जो दोनों को सेटिस्फाई करे मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो भी आएगा, है ना, और जो केवल एक को सेटिस्फाई करे वो भी आएंगे, और ऐसे पॉइंट इनफाइनाइट होंगे, तो और के केस में हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, और अगर बीच में एंड लगा होता तो केवल और केवल एक ही आंसर आता, और वो आंसर कौन सा होता, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे कैसे नहीं आई होगी, आना तो पड़ेगी ही बात समझ में।
लिखो जल्दी से। तो ये हम लोगों ने एंड और का खेल समझा, ठीक है। ये जो खेल है बच्चों, ये खतरनाक खेल है, ठीक है। इस खेल में कई बार अच्छे अच्छे उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, जीरो पर आउट हो जाते हैं, शर्म से पानी पानी हो जाते हैं, मुंह लटका के चले जाते हैं। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आप कौन हो? आप मेरे स्टूडेंट हो, फकी नहीं, मेरे प्यारे छात्र हो, मेरे अच्छे छात्र हो, मेरे समझदार छात्र हो। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जहां पर दो मैट्रिसेस आपस में अगर इक्वल दिए जाएं, तो हम कर लेंगे। एक और कर लेते हैं, ठीक है। इसी कड़ी में एक और अध्याय जोड़ देते हैं। मान लीजिए ऐसा दिया गया है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 1, 3, 4, ठीक है। और यहां पर बच्चों कर दिया मैंने, मान लीजिए 0, वाई एक्स और 4। और फिर से मैंने कहा कि x एंड y को फाइंड कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क का मतलब x और y निकाल के बता दीजिए। कोई बात नहीं, सवाल अगर खतरनाक है तो हम भी कम खतरनाक नहीं। उनके पास अगर बड़ी बंदूकें हैं तो हमारे पास भी बड़े बड़े हेलीकॉप्टर हैं। टेंशन नहीं लेना। देखो, इक्वल करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 0, एंड 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 1 बराबर वाई, एंड 3 बराबर एक्स, एंड 4 बराबर 4, है ना? बताओ, 4 बराबर 4 कोई दिक्कत नहीं, एक्स बराबर 3 कोई दिक्कत नहीं, वाई बराबर 1 कोई दिक्कत नहीं, एंड है एंड। इसको देखिए, ये क्या कर रहा है, x कॉमन लिया, x प्लस वाई बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0। अरे भाई, बड़ी टेंशन है। देखो, और यहां और आ गया, और आ गया, और यहां और आ गया, x प्लस वाई बराबर 0। जब कभी जिंदगी में याद रखना, जब कभी दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 होता है मैथ में, याद रखना, तो a बराबर 0 होगा और b बराबर 0 होगा, और आएगा यहां पर क्या आएगा, और आएगा। और अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 है तो a बराबर 0 होगा और नॉट एंड, और बी बराबर 0 होगा, और आ गया, इनके बीच में और आ गया। तो और एंड के खेल में हम फंस गए गुरु, और एंड के खेल में हम फंस गए हैं। परेशान मत हो, देखो ध्यान दो, ये कह रहा है x बराबर 3 होगा, ये कह रहा है y बराबर 1 होगा, इन सबके बीच में एंड है, ये एंड 1 बराबर वाई, एंड एक्स बराबर 3। अब देखो ध्यान दो, ऐसा बच्चों, एक्स बराबर 0 और ये क्या है, एक्स बराबर 3, तो देखो सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया, 5, 0, 3 का इंटरसेक्शन 5। अच्छा, वाई बराबर 1, बोलो वाई बराबर 1, तो एक काम किया जाए, क्या y बराबर 1 यहां रखते हैं, अगर मान लो y बराबर 1 यहां रखते हैं, क्योंकि इसका भी एंड लेना है, यहां से y तो आया नहीं, तो अगर ये y बराबर 1 यहां रखते हैं बच्चों, तो यहां से x बराबर क्या मिला, माइनस y, y बराबर 1 रखो,
तो x बराबर क्या मिला -1। तो फिर समस्या हो गई, ये x बराबर 0 है और x बराबर -1 है, लेकिन ये x बराबर 3 है, तो इनका इनका इंटरसेक्शन लोगे फिर खत्म कहानी। बोलो खत्म कहानी। तो फिर कुल मिला के आंसर क्या आया 5, मतलब नो एक्स नो वाई, नो एक्स और नो वाई आंसर आया 3, 0 का इंटरसेक्शन 5। यहां से वाई 1 मिला, ये वाई यहां डाला एक्स निकाला, बस समझे, वाई यहां 1 रखा एक्स निकाला माइनस 1 आया, लेकिन ये माइनस 1 और 3 का इंटरसेक्शन फिर से 5। देखो अगर आप इन सब में उलझ गए हैं, परेशान हो गए हैं, वैसे तो मैंने क्लियर कर दिया, परेशान नहीं है आप, मैं समझ गया, तुम्हें समझ में आ गया। देखो एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं, देखो क्या, अगर जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आ जाए, अगर लाइफ में कभी ऐसा मोड़ आ जाए, तो तुम इस सवाल को एक और तरीके से भी निकाल सकते हो। देखो कैसे 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 कैसे, देखो कैसे 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 होगा सर, कैसे कैसे होगा, अरे बताता हूँ यार, बताता हूँ। देखो क्या करो, इन सब के डायग्राम बनाओ, मतलब जैसे y बराबर 1 क्या होगा, याद है ना, y बराबर 1 क्या होगा, y बराबर 1 होगा x एक्सिस के पैरेलल लाइन, अरे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो गए यार, y बराबर 1 होता है x एक्सिस के पैरेलल लाइन 1 की डिस्टेंस पर ऊपर, x एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0, x एक्सिस का समीकरण क्या होता है y बराबर 0, और अगर y बराबर 1 लेना है तो उसके पैरेलल लाइन 1 डिस्टेंस ऊपर होती है, समझ गए। अच्छा x बराबर 3 क्या होगा, x बराबर 3 होगा y एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये रहा x बराबर 3 y एक्सिस के पैरेलल लाइन, ठीक, ये हो गया x बराबर 3 y के पैरेलल लाइन, उससे 3 डिस्टेंस पर, जैसे ये y बराबर 1 है ना, तो ये x एक्सिस से 1 डिस्टेंस है, 1 डिस्टेंस, ये 3 है ना, तो ये y एक्सिस से 3 डिस्टेंस है, 3 डिस्टेंस। अब देखो ये क्या है, यहां पर ये सॉल्व नहीं करना बिल्कुल भी, ये सब सॉल्व नहीं करना, सबके ग्राफ बनाओ। देखो x बराबर 0, ये क्या है x बराबर 0, x बराबर 0 का मतलब इटसेल्फ y एक्सिस, ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा x बराबर 0 इटसेल्फ y एक्सिस, और ये क्या है, ये है y बराबर माइनस x आता है कि नहीं आता है, अरे ड्रॉ कर लोगे कि नहीं, भाई बराबर माइनस एक्स कर लोगे ना, पढ़ा है ना ये, बोलो जब कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसका इक्वेशन वाई बराबर एम एक्स होता है, और यहां पर एम की वैल्यू कितनी है माइनस वन, एम की वैल्यू माइनस वन मतलब बोले तो टेन थीटा माइनस वन, बोले तो 135 डिग्री, तो वाई बराबर माइनस एक्स लाइन कैसी होगी, वाई बराबर माइनस एक्स लाइन होगी बेटा, ओरिजिन से पास होगी और एंगल होगा 135 डिग्री, एंगल 135 डिग्री बोले तो ऐसे करके होगा ये, तो ये लाइन हो गई वाई बराबर माइनस एक्स, लाइन को हिंदी में कहते हैं रेखा रेखा, ठीक है, तो तुमने देखा कि वाई बराबर माइनस एक्स ये लाइन हो गई, तो वाई बराबर माइनस एक्स लाइन बच्चों ये गई, कितनी है, 1, 2, 3, 4 लाइने हैं, एक दो लाइन तीसरी लाइन चौथी लाइन, तो क्या ये कहीं एक जगह पर काट रही हैं, क्या ये लाइनें कहीं एक जगह पर काट रही हैं, क्या इनमें कोई कॉमन दिखा, ऐसा पॉइंट दिखा जो कहीं एक जगह पर सब ये काट रही हो, नहीं दिखा, इसलिए आंसर क्या हो गया 5। इंटरसेक्शन का मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर ये सब लाइनें एक ही जगह पर काटती और वो नहीं दिखा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ता है कि हमारा आंसर क्या हो गया 5, नो वैल्यू ऑफ एक्स नो वैल्यू ऑफ वाई, 5 नो वैल्यू ऑफ एक्स नो वैल्यू ऑफ वाई, समझे, लिखो जल्दी से। तो ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते थे,
ठीक है, ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते थे बेटा, मेरे बच्चे सबसे अच्छे, मेरे प्यारे राज दुलारे, लेकिन ऐसे भी ये सवाल हो नहीं पाया। तो अंत में हमने कहा कि इसका आंसर कितना है, 5। तो ऐसे कॉन्सेप्ट जब भी जीवन में आपके आएंगे, अब आप उनसे डरोगे नहीं, आप उनका सामना करोगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर ये सिलसिला डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस का अगली क्लास में आगे बढ़ेगा, सम्मानपूर्वक बढ़ेगा। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं, बाय बाय।